ये जो तस्वीरें देख रहे हैं ये बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल के ग्राउंड की तस्वीरें हैं। यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन आकर पूरा मुआयना कर रही है किस तरह से हमने इंडिपेंडेंट डे बनाना है। एडिशनल डीसी जो सुखदेव समयाल जी, उन्होंने अपने ऑफिसरों से, तहसील ऑफिसरों को निर्देश जारी किए कि आप पहले की तरह ही इस इंडिपेंडेंट डे को बनाएंगे। इसमें कुछ जो है बदलाव आएगा वो है कि हम छोटे बच्चों को जो है इसमें शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि कोविड 19 का महामारी है और सभी बच्चों के स्कूल भी बंद हैं। प्रॉपर ये जो है कुछ ही सीमित लोगों के साथ बनाया जाएगा, लेकिन इसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। जिस डिपार्टमेंट ने जिस तरह से पिछली बार काम किया उसी बार इस बार भी करना होगा। और ख़ास निर्देश जारी करते हुए कहा कि हम अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं कि वो शाना बशाना हमारे साथ चलें और पब्लिक को भी साथ लेकर चलें, और पब्लिक का भी एक सहयोग बनता है कि वो प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनकर इस दिन को बनाए, ताकि ये इंडिपेंडेंट डे हमारा खुशहाली के साथ बने, ताकि कोई इन्फेक्शन या कोई भी बीमारी इस पर हावी ना हो। और इसी पर एडिशनल डीसी ने बार बार यही सचेत किया सभी को कि ज़्यादातर लोगों को चाहिए कि वो मास्क पहने, सैनिटाइज करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें, ताकि हमारा ये इंडिपेंडेंट डे है बहुत अच्छी तरीके से बनाया जाए। राकेश शर्मा, जेके न्यूज़ ब्रेक, राजौरी। प्रोग्राम नहीं होंगे, सिर्फ वहाँ पे झंडा फहराया जाएगा और सिंपल प्रोग्राम होगा, जो प्रोग्राम एक घंटे का होगा। बस इस बार कोरोना की वजह से प्रोग्राम को इसलिए वहाँ शॉर्ट कट किया गया। आम लोगों को क्या संदेश देंगे 15 अगस्त के ऊपर? आम लोगों को यही समझे कोरोना के चलते हुए इसलिए भी हम प्रोग्राम भी यहाँ शॉर्ट कर रहे हैं, तो लोगों को यही कोरोना के बारे में को मास्क लगाएं, उस अपना जो फैसला रखें। और इसी तरीके से जो अभी 4-5 दिन से जो हमारे नौशहरा में केस कम हो रहे हैं कोरोना के, वो यही वजह है कि लोग मास्क वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यही है, डीसी साहब ने बताया कि जो 15 अगस्त जो जो जिम्मेवारी के सारे ऑफिसर आज आए हुए थे, सबको निर्देश दिए गए कि वो घंटे का प्रोग्राम होगा, सब लोग यहाँ पे रंगोला में स्कूल में आएंगे। ठीक है, दी गई और 13 को हम फिर ग्राउंड पे रिव्यू करेंगे। और इस बार कोविड के कारण स्कूल बंद है, बच्चों की पार्टिसिपेशन नहीं होगी, बट इसमें क्लियरली निर्देश दिए गए हैं कि जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनके कर्मचारी सारे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। फंक्शन बहुत ही अच्छे तरीके से होगा, सिंपल और इफेक्टिव तरीके से और अच्छे तरीके से मनाया जाएगा। यह है कि वेन्यू इस बार भी पिछले साल की तरह बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल है, और हर साल जैसे मनाया जाता है वैसे बस इस बार जो है वो कल्चरल आइटम्स जो बच्चों से के द्वारा पेश की जाती थी, और मार्च पास क्योंकि पर गार्ड ऑफ ऑनर होगा पुलिस की तरफ से, और बाकी जितने भी हेल्थ के लोग हैं वो अपनी तरफ से जो भी अवेयरनेस कैंप जो लोगों को देंगे, या कोई सिविल सोसाइटी की तरफ से कोई आदमी कोई भी अगर कोई संदेश या कुछ देना चाहता है उसके बारे में वो पहले हमें बताए, उसकी स्क्रीनिंग पहले ही 13 तारीख से पहले कर ली जाएगी और उसके बाद उसको। सब पंचायतों में किस तरीके से मनाया जाएगा? देखिए, जो GAD का आदेश आया उसके मुताबिक जितने भी ब्लॉक हेडक्वार्टर्स हैं उसके ऊपर VDC चेयरमैन को इस बार डेजिग्नेट किया गया फ्लैग होस्टिंग के लिए, और जितने भी सब डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सब डिविजन्स हैं, वहाँ के जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर हैं वो फ्लैग होस्ट करेंगे, और उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट्स में तो डिप्टी कमिश्नर्स हैं। सर, इसमें कुछ टाइमिंग भी चेंज की गई है क्या कहेंगे? देखिए, काफी दिनों से कंट्रोल में है स्थिति, और उसके देखते हुए अब शहर को धीरे धीरे खोला भी जा रहा है और आने वाले दिनों में पूरी तरह खोल दिया जाएगा। और फिर वही अपील है कि जो भी निर्देश हैं उनका पालन करें, अपने आप को भी SOP का पालन करते हुए अपने आप को भी बचाएं, अपने परिवार को भी बचाएं, खुद भी सुरक्षित रहें, पूरे परिवार को सुरक्षित रखें, मास्क का उपयोग करें, और इसके अलावा
सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करें, साबुन का इस्तेमाल करें, जो निर्देश पहले से दिए जा रहे हैं, अगर उनका उसी का नतीजा है कि लोगों और प्रशासन ने मिलके ये जो केसों में अब कमी आई है उसका नतीजा आपके सामने है। ठीक।